हेलो बच्चों, सूर्या क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। कक्षा 10 का कला सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसी को पढ़ के चले जाइए, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर 70 में 70 आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन, चारकोल क्या है। चारकोल अगर पूछ लेगा क्वेश्चन तो आप लोग याद रखिएगा, लिखिएगा ग्रेफाइट है। ऑप्शन दे देता है चार ऑप्शन, तो आप लोग ग्रेफाइट पे लगाइएगा। दूसरा नंबर लिखा है, पेस्टिल रंग किस प्रकार के होते हैं, तो अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं, तो आप लोगों को आंसर हो जाएगा 3। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है, आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जिसका 90 अंश का मान माना जाता है समकोण, उसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका बेस जो होता है आधार, यहाँ पर देखा जाता है एक आधार होती है तो ये वाली जो होती है 90 अंश का हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये अगले साल क्वेश्चन आया था, ओस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन लगाएंगे 8। ठीक है, अगला देखते हैं, रेखा क्या है। तो रेखा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से एक यहाँ लगा दिए एक यहाँ लगा दिए, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी। तो आप लोग, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ऐसी पेंसिल होगी जिसे हम बनाएंगे तो बहुत काली होगी, तो 2B होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आठवां नंबर, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आप लोगों को द्वितीयक रंग आप लोगों को याद करना पड़ेगा, द्वितीयक रंग क्या है, नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7 रंग होते हैं। अगला नंबर है 10 नंबर, हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालती है। हरा रंग हमेशा ठंडक पहुंचाती है, जैसे आप लोग कहीं चले जाते हैं, मान के चले गार्डन वार्डन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो हरा भरा देखते हैं तो आँख को राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए। तो आप लोग पीला रंग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा पीला रंग। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है 12 नंबर, जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त होगा। तो आप लोग व्हाइट मैनी यूज करेंगे तो सबसे बढ़िया पड़ेगा। नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो भूरा रंग कभी इंद्रधनुष में नहीं होता है, जैसे ऑप्शन 4 आते हैं ना तो उसमें आप लोगों को लगाना होता है। सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है कि आप लोग इतने 60 क्वेश्चन हैं, 60 नहीं होंगे लगभग में 40 ही होंगे, 40 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें तो 100% आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, महाराष्ट्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 16 लिखा हुआ है कि अजंता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है। तो आप लोग 19 लगाइएगा, संख्या वहाँ की मिलती है 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर, दो गोकाकुल नारी भीति चित्र कहाँ अंकित है, बाघ गुफा में। तो आंसर हो जाएगा आप लोग क्या, बाघ गुफा में। ठीक है ना, तो ये आप लोग का आंसर होता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, भारतीय चलचित्र में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो आप लोगों को बता देते हैं, आदर्श प्रमाण 108 होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं। तो आप लोग बता देते हैं, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है अगले बार का, एक रंग योजना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य जो होता है ललित कला कहाँ स्थित है। तो आप लोग आंसर क्या लिखोगे, लखनऊ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा होता है, ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, तो आप लोग आंसर लगाएंगे सफ़ेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर, वाली भीति चित्र किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग मध्य प्रदेश लगाएंगे। ठीक ना, एक बार और देख लीजिए, वाली भीति चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, मध्य प्रदेश, कभी कभी MP आ जाता है शॉर्टकट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो आप लोग लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजधानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? प्यारे बच्चों यहाँ राजधानी होगा, ठीक है ना, राजधानी है, तो यहाँ पर लिखेंगे चावंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, किसके शासनकाल में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? तो हमजा नामा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, हमजा नामा किसके होता है, तो अकबर में आता है। अगला देख लेते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो आप लोग यही लिखेंगे चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम आप लोग लिखेंगे। तो एक बार और देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखा हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन, रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम होता है। तो आप लोग इतना याद करके चले जाओगे, अभी नेक्स्ट एक और पार्ट आप लोगों को भेजेंगे तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों।